नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया है। कोविड के स्ट्रेन को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। एक तरफ जहां काफी तेजी से फैलने वाले वेरिएंट को विश्व संगठन ने खतरनाक बताया और इसे बेहद संक्रामक और चिंताजनक के स्वरूप को करार दिया है, वहीं दुनिया के तमाम देश इस संक्रमण से बचने को लेकर सतर्क हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले इस श्रेणी में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट के कारण दुनिया भर में अब तक करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के रफ्तार को देखकर वैज्ञानिक और सभी देश काफी चिंतित है। वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल इस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असर कर रहा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। WHO ने नए स्ट्रेन के बारे में बात करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन के वास्तविक खतरों को अभी तक नहीं समझा जा सका है, लेकिन अब तक जो सबूत मिले हैं उससे पता चलता है कि कोरोना के अन्य स्ट्रेनों के मुकाबले इससे फिर से संक्रमित होने का जोखिम ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ये वेरिएंट किसी भी व्यक्ति को एक बार फिर से ज्यादा बार संक्रमित कर सकता है। हालांकि WHO के साथ सभी विशेषज्ञ फिलहाल ओमिक्रॉन पर गहरी स्टडी कर रहे हैं और अभी ये समझने पे भी समय लगेगा और इस स्ट्रेन पर वैक्सीन कितना प्रभावी है। तो आइए आज इस पर हम बात करते हैं डॉक्टर सूर्यकांत से, जो कि रेस्पिरेटरी विभाग से हैं। आज हम इनसे ओमिक्रॉन पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद श्वेता। सर, जिस तरीके से 2 साल से लगभग लोग बड़े परेशान हैं कोरोना को लेकर, अब एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, उस दस्तक को देखते हुए भी लोगों में काफी एक परेशानी का सबब बना पड़ा है कि किस तरीके से अब ये वेरिएंट उनको परेशान करने वाला है। तो आप हमें पहले इस वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि क्या है ये वेरिएंट। देखिए, अभी तक 4 वेरिएंट जो है बहुत प्रमुखता से देश में, दुनिया में आपको प्रचलन में आए थे और वो आखिरी चौथा वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट, जिसके कारण सेकेंड वेव में हमारा भारत देश जूझा था मार्च और मई के बीच में। हम सब ने उसका कहर देखा था। उस डेल्टा वेरिएंट में 2 एडिशनल म्यूटेशन हुए थे जिसके कारण वो इतना खतरनाक हो गया था। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका में वेरिएंट अभी नया डिक्लेयर हुआ है B.1.1529 और जिसको अभी 2 दिन पहले ही नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन एक्चुअली एक ग्रीक लेटर है, जैसे हमारी आ आ ई होती है और इंग्लिश में ABCD होती है, ऐसे ग्रीक लैंग्वेज के 24 लेटर्स होते हैं और उसमें 15वां जो शब्द होता है, 15वां जो अक्षर होता है, उसको कहा गया है ओमिक्रॉन और उसका मतलब है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल। और इसीलिए WHO ने इस लेटर को चुना है, ग्रीक लैंग्वेज से चुनना था लेटर, इसलिए उन्होंने उस लेटर को चुना जिसके बारे में कहा जाता है ये मोस्ट क्रिटिकल लेटर समझा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। तो आप इसी के नामकरण से, कहते हैं ना वो पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो इसके नामकरण से ही स्पष्ट हो लेटर ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज दिया है ओमिक्रॉन। और इस ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो इसमें 50 से ऊपर म्यूटेशन है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, डेल्टा में जहां 2 एडिशनल म्यूटेशन हुए थे वहां ओमिक्रॉन में 50 से ऊपर म्यूटेशन है और 32 म्यूटेशन तो सिर्फ इसके स्पाइक प्रोटीन के हैं, जिस स्पाइक प्रोटीन की वजह से इस कोरोना वायरस की पहचान होती है। आप ये देखिए कि 3 चीजें किसी भी नए वेरिएंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इसीलिए एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कंसर्न वो होता है जिसको खतरनाक माना जाता है और इसको VOC यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में WHO ने माना है। अब 3 चीजें क्या महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी बीमारी के लिए, वायरस के लिए, कि इसकी संक्रामक क्षमता क्या है, इसकी यानी कि इन्फेक्शियसनेस क्या है, मारक क्षमता यानी मॉर्टेलिटी कितना करेगा, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि बचाव के लिए जो इम्यूनिटी हम वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन से होते हुए देख रहे हैं, क्या वो वैक्सीनेशन इस पे कारगर होगा कि नहीं होगा। इन 3 में बाकी के 2 प्रश्नों के उत्तर अभी आना बाकी है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर आ गया है कि ये संक्रामक बहुत है, जिस तेजी से फैला है पूरे एक साउथ अफ्रीका से एकदम 9 से 10 देशों में अचानक फैल गया है और बहुत तेजी से इसकी संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि इसकी संक्रामक क्षमता बहुत है, इन्फेक्शियसनेस बहुत है, यानी गलती से भी 2-4-10 केस हमारे भारत में आ गए तो चूंकि हमारा देश भीड़ का देश है
त्योहारों का सीजन, इस समय सोशल गैदरिंग चल रही है, पॉलिटिकल गैदरिंग भी आने वाली है, रिलीजियस गैदरिंग भी होती रहती है, तो ये रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग के कारण हमारे यहाँ पूरा माहौल है फैलने का, तो ये हमारे लिए चुनौती साबित हो सकता है अगर इसकी भारत में एंट्री हो जाती है तो। जी अच्छा डॉक्टर, ये किस तरीके से कोरोना का जो पहले डेल्टा वेरिएंट था और ये ओमिक्रॉन है, ये किस तरीके से फर्क है, इनके क्या लक्षणों पे बात कर सकती है, इनके लक्षण कैसे, क्या दोनों के लक्षण अलग अलग है या वैसे ही सेम जो कोविड में देखे गए थे वो इसमें भी देखे जाएंगे? देखिए समस्या यही है कि इसमें लक्षण ज्यादा नहीं है, संक्रामकता बहुत है, लक्षण ज्यादा नहीं है, बुखार भी छोटा मोटा हो सकता है, छोटा मोटा खांसी हो सकता है, बदन दर्द केवल बॉडी एक करके प्रेजेंट कर सकता है, और लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल जो एक पहचान बन चुके थे कोविड की, वो इसमें नहीं होते हैं, यानी जो क्लासिकल सिम्टम है कोविड के वो इसमें नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि जो रूटीन आपकी अप्रोच थी कोरोना वायरस के लिए वो इसमें कारगर नहीं होगी। अब तक जो सिम्टोमेटोलॉजी साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया से और WHO से शेयर की है, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च कर डाली है, इसमें 9 नवंबर को पहला केस उनका डायग्नोस हुआ था और 24 नवंबर को अल्टीमेटली उन्होंने रिपोर्ट बना के WHO को सौंप दिया, इसीलिए 24 नवंबर को ये पूरे देश दुनिया में खबर फैली कि एक नया वेरिएंट आ चुका है, और इसीलिए फिर जाके 26 नवंबर को इसका नामकरण हुआ ओमिक्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो सिम्टम है वो तो ज्यादा नहीं है, तो इससे उम्मीद लग रहा है कि शायद मॉर्टलिटी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन समस्या यही है कि इसके सिम्टम बहुत साधारण से हैं और उनसे मिलते जुलते नहीं है जो अब तक हम लोगों ने 21 महीनों में देखे हैं। तो अगर आप मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेवल एयरपोर्ट पे आप केवल गन लगा के थर्मामीटर से और टेम्परेचर से स्क्रीनिंग करना चाहेंगे तो इट विल बी ए फ्लॉप स्क्रीनिंग, इससे आप केसेस को पकड़ नहीं पाएंगे, आपको RT-PCR करना ही पड़ेगा, और ये खुशी की बात है कि RT-PCR इस पे टेस्ट कारगर हो रहा है, यानी RT-PCR से हम इसकी जान पहचान करेंगे और अल्टीमेटली कंफर्मेशन जो होगा वो जीनोम सीक्वेंसिंग को होगा। एक और समस्या आने वाली है कि हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा लैब ऐसी नहीं है जो जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकें, केवल 10 जेनेटिक कंसोर्टियम के तहत लैब बनाई गई है, हालांकि 2020 तक तो केवल एक ही देश में लैब थी, अभी तो जांच की 3000 लैब हो गई है 21 महीने के अंदर, इतनी ज्यादा भारत ने प्रगति कर ली है, लेकिन अभी भी जेनेटिक जीन सीक्वेंसिंग की जो कंफर्मेटरी जांच होती है किसी भी नए वेरिएंट के लिए वो अभी बहुत सीमित संख्या में उपलब्ध है, इसलिए चुनौती होगी इसको पकड़ पाना, चुनौती होगी इसके लक्षणों को समझ पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसकी एंट्री एक बहुत परेशानी का सबब बन सकती है। डॉक्टर ये भी क्या पर्सन टू पर्सन फैलने का बताया जा सकता है, जिस तरीके से कोरोना एक पर्सन टू पर्सन फैलता है तो क्या कह सकते हैं कि ये भी पर्सन टू पर्सन फैलेगा? देखिए इसका श्वेता जी जो फैलने का तरीका वही है जो पुराना है जी, यानी पर्सन टू पर्सन फैल सकता है खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से, हमने कंप्यूटर को छुआ, दूसरे आदमी ने कंप्यूटर को छुआ और ये फैल गया जी। तो आप देखिए जो संक्रमित के 3 तरीके थे वायरस के, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके दर्शकों के लिए, मैं पुरानी याद ताजा दिला दूं कि एक तो ये फैलता है व्यक्ति से व्यक्ति, इसीलिए व्यक्ति से दूर रहना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, दूर से नमस्ते करना है, हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है, एक बात। दूसरा ये फैलता है वायु के द्वारा, यानी कि वायु संक्रमण से, जब ये हवा से फैलता है तो हमें मास्क लगा के रहना है क्योंकि हवा कहीं भी इससे संक्रमण व्यक्ति कहीं भी चीज छींक देगा या खांस देगा तो हमारा संक्रमण इसमें आ जाएगा, तो इसलिए हमको बाहर निकलते ही मास्क लगा के रखना है, ये आपको बचाव करेगा वायु संक्रमण से। और तीसरा होता है वस्तु से, तीसरा होता है संक्रमण वायु से संक्रमण और वस्तु से संक्रमण, और वस्तु से संक्रमण से बचने के लिए हम वस्तुओं को छूते रहते हैं और संक्रमण हमारे आता रहता है, तो इसलिए हमें हाथ धोते रहना है। तो क्या करना है, नमस्ते करना है, भीड़ में नहीं जाना है, 2 गज की दूरी बनानी है, मास्क लगाना है और हाथ धोते रहना है, ये पंचतंत्र है जी। ये चिकित्सा में कोरोना से बचने के लिए आपने तो सुना होगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके 3 ही कंपोनेंट है, लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत का ये पंचतंत्र है, मैं तो कहता हूँ ये डॉक्टर सूर्यकांत का पंचतंत्र अपना लीजिए, आप कोरोना हो चाहे दूसरा रोना हो, ये वेरिएंट वो वेरिएंट, ओमिक्रॉन फलाना क्रॉन कुछ भी हुआ, आप सबसे बचे रहेंगे, यानी लोगों से मिलने पे नमस्ते करिए, भीड़ से बचते रहिए, हाथ धोते रहिए, बाहर निकलने पे मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, आप इन पंचतंत्र को फॉलो करके आप बचे रहेंगे, अपने को सुरक्षित रख सकेंगे। जरूर लगवाते रहिए, कई लोग
पूछेंगे कि साहब वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी। देखिए ये प्रश्न हो सकता है कि वैक्सीन 80% इफेक्टिव है, 90% इफेक्टिव है, 50%, 40%, लेकिन वैक्सीन जो है वो खतरनाक बीमारी से बचाती है, ये तय है। यानी छोटा मोटा संक्रमण हो सकता है, होगा, चला जाएगा, लेकिन आपकी जान तो खतरे में नहीं पड़ेगी। तो अगर आप टीकाकरण दोनों डोजेस का करा लेंगे तो आपकी जान की तो गारंटी है। इसलिए मौका मिलते ही जहां भी आप लाइनअप है, लूपअप है, आप अपना वैक्सीनेशन करा लिए। जिन लोगों ने पहला डोज कराया, दूसरा नहीं कराया, कृपया विनम्र निवेदन है कि डोज दूसरी भी लगवा दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कुछ सावधानियां, जैसे हम लोग सभी को ये सावधानियां काफी याद हो चुकी हैं, ये सावधानियों के बारे में बताया, अगर हम इसके इलाज पे बात करते हैं तो इसके इलाज के लिए प्राइमरी तौर पर हम किस तरीके का इलाज कर सकते हैं, किस तरीके से और क्या क्या इलाज किए जा सकते हैं इससे इससे बचने के लिए? देखिए बहुत आसान तरीका है इसका भी। कोई भी वायरस की बीमारी हो या कोई अन्य बीमारी हो, सबसे पहला इलाज होता है कंप्लीट बेड रेस्ट। आप रेस्ट करिए, घर में कंफाइनमेंट करिए, अपने को आइसोलेट करिए। तो आप आइसोलेशन करेंगे, आप बेड रेस्ट करेंगे, पीने वाली चीजें यानी गिलास में पीने वाली चीजें, कटोरी चम्मच से खाने वाली चीजें, मूल मंत्र है कि आप गिलास और कटोरी में जो चीजें पी सकते हैं और खा सकते हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करना है। चाय, कॉफी, सूप, ये ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करना है, काढ़ा भी ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात आपको इम्यूनिटी बढ़ाती है हरी सब्जियां और फल। मैं आपको बता दूं, नॉन वेजिटेरियन डाइट आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती, और कोई दूसरी ऐसे जिन्हें आप बहुत महंगे फूड आइटम कहते हैं वो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाते। केवल हरी सब्जियां और मौसमी फल, जरूरी नहीं सेब खाया जाए, जो भी मौसम का सस्ते से सस्ता फल है वो आप खा लीजिए, कुछ ना मिले तो केला खा लीजिए। तो आप अपने बच्चों से लेके बड़ों तक ये सुनिश्चित करिए, शाम को रोज पूछिए कि क्या मैंने हरी सब्जी खाई है कि नहीं, क्या मैंने एक फल खाया है कि नहीं। वो फल जरूरी नहीं बहुत महंगा हो, वो फल कोई भी मौसम का फल हो सकता है जो आपको आसानी से उपलब्ध है आसपास आपके फल वाले वेंडर से। तो खाते रहेंगे और हम पानी उबाल के सुबह शाम भाप लेते रहेंगे। तो आइसोलेशन करना है, बेड रेस्ट करना है, लिक्विड और सेमी लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है और गुनगुने तरल पदार्थ ज्यादा लेने हैं और हरी सब्जियां और फल लेना है, और बुखार आ जाए तो पैरास्टामोल लेना है या डॉक्टर की सलाह से और एक दो दवा लेनी है। दवाओं का ज्यादा बहुत ज्यादा रोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपको आश्वस्त रहना है कि आप घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाएं, दो गज की दूरी बनाएं, भीड़ वाले स्थानों में ना जाएं और हाथ खूब धोते रहें। गलती से हाथ ना मिलाएं बल्कि नमस्ते करें। अच्छा डॉक्टर, ये भी कहा जा रहा है जो जो ज्यादा कोई किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो उन पे ये ज्यादा इफेक्ट करने के चांसेस बताए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उनको ये ज्यादा इफेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि उनको ये ज्यादा इफेक्ट कर सकता है अगर उन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली है। श्वेता जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका में जो पहला केस, इंडेक्स केस जिसको कहा जाता है किसी नई वेरिएंट या नए स्ट्रेन के कारण, तो वो जो इंडेक्स केस है यानी पहला केस जो 9 नवंबर 2021 को डायग्नोस हुआ है, वो एक एड्स के पेशेंट में डायग्नोस हुआ है, एचआईवी से ग्रसित पेशेंट में डायग्नोस हुआ है जिसकी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी। तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी किसी बीमारी से कमजोर है, यानी जितने भी पुराने हैं, लिवर की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो लंबी बीमारी है जिनको हम श्रेणी में कहते हैं, वो बीमार लोग और वो बुजुर्ग लोग, तो चाहे बीमार हो पहले से, चाहे बुजुर्ग हो, गर्भवती महिलाएं हो या छोटे बच्चे हो जिनकी इम्यूनिटी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, बुजुर्ग वो हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगी है, क्षीण होने लगी है, बीमार वो हैं जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी काफी कंप्रोमाइज हो गई है, और गर्भवती महिलाएं वो हैं जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ये चार वर्ग ऐसे हैं जो हमेशा हर बीमारी के खतरे के लिए, हर संक्रमण की बीमारी के खतरे के लिए ज्यादा वल्नरेबल हैं, ज्यादा रिस्की हैं। तो इन चार तरह के लोगों को बहुत बचने की विशेषकर जरूरत है। और बच्चों का तो देखिए मामला ये है कि बच्चों को अभी टीकाकरण नहीं लगा, हालांकि दो दो वैक्सीन अप्रूव्ड हो चुकी हैं, लेकिन बच्चों का टीकाकरण होना अभी बाकी है। जी जी। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये चीज था कि अगर जैसे व्यवस्थाओं पे अगर हम बात करें तो सरकार की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए इसको लेकर? देखिए सबसे पहली तो व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारी नजर बहुत पैनी होनी चाहिए
हमें बाहर से आने वाले यानी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर बहुत पैनी नजर लगनी होगी, सिर्फ गन की स्क्रीनिंग से, थर्मल स्कैनिंग से, एक जो होता ना एक मतलब कि खाना पूर्ति हो गई, हमने गन दिखा ली और टेम्परेचर नहीं आया 36 से ऊपर तो हमने कहा ठीक जाओ इधर चले जाओ, ऐसा बिल्कुल काम नहीं चलेगा। मैंने कहा कि इस स्ट्रेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण में बहुत ज्यादा लक्षण नहीं है, बुखार तो बिल्कुल नहीं होता है, तो आप कैसे थर्मल स्क्रीनिंग से पकड़ पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति की जांच आरटीपीसीआर होनी चाहिए, हर व्यक्ति का क्वारंटीन होनी चाहिए, हर व्यक्ति का सर्वेलेंस होना चाहिए, उसको ट्रैकिंग बराबर करते रहिए, जब तक वो रहे देश में उसको बराबर फॉलोअप होना चाहिए, आपकी नजर में होना चाहिए, आपके फॉलोअप में होना चाहिए, उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो सर्वेलेंस भी बहुत जरूरी है और क्वारंटीन भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमें हर अंतरराष्ट्रीय यात्री पर इस समय पैनी, मैं आपको बता दूं कि कोविड की जो पहली वेव आई थी उसमें भी केरल में पहला केस इंडेक्स केस भारत में आया था, और वो केस आया था वुहान सिटी ऑफ चाइना से, जहां से इस वायरस का ओरिजिन माना जाता है। तो इसलिए हमारे देश में शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल ट्रेवलिंग से इस बीमारी की, और ये स्ट्रेन का जो खतरा है वो भी हमें इंटरनेशनल ट्रेवलिंग पे गौर करना पड़ेगा, नजर करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और हमारे देश में तो अभी इंटरनेशनल, हमारे उत्तर प्रदेश में ही 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 5वां एक जेवर में बनने वाला, खैर वो तो बाद में बनेगा, तो इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खास तौर पर निगरानी रखनी होगी, और इंटरनेशनल यात्री जो आ रहे हैं उनको 2 हफ्ते तक क्वारंटीन करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत जी हमारे साथ इस पे जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे कोरोना वेरिएंट की, जिसमें ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते एक बार फिर से लोगों में एक डर सा देखने के लिए मिल रहा है। आपको ये भी बताते कि इसे समझने में समय लगेगा और इस स्ट्रेन पर वैक्सीन कितनी प्रभावी है ये भी अभी फिलहाल पता नहीं चला है, इसकी जानकारी के लिए अभी रिसर्च चल रही है। तो आज हमने बात की डॉक्टर सूर्यकांत से, जो केजीएमसी के रेस्पिरेटरी विभाग से हैं, इन्होंने हमें कोरोना वेरिएंट पे संबंधित काफी अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगले बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए डिस्कशन को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।